हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों से कि लास्ट जोन, देखो काफ़ी मेरे से काफ़ी दूर है और अभी भी 12 12 12 मैंने ऑलरेडी 2 किल निकाल ली है। और अभी देखो गन वगैरह मैंने छोड़ दी और मेडिकिट लेकर ही जा रहा हूँ, मेडिकिट और थोड़ी बहुत ग्लू वाले तो सब लेकर जा रहा हूँ। देखो इन्हेलर लगा लगा के जा रहा हूँ। और हम इस मैच को अगर बुईया कर पाते या नहीं मेरे को पता नहीं भाई, क्या होने वाला है। तो अगर हम बुईया नहीं, हम जिंदा इस जोन से बाहर निकल जाते तो आप लाइक जरूर से कर देना। मेरे पास 16 मेडिकिट बच मेडिकिट इकट्ठा कर की है। और सामने देखो, सामने मैंने अभी अभी एक बंदे को देखा, तो अभी उससे छिपना पड़ेगा। और वो जब तक आगे चला नहीं जाता जोन में, जोन से बाहर चला नहीं जाता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बैठ जाते और आलोक बाबा को चला लेते। आलोक भी भाई अच्छी चीज़ है भाई, और फोर्थ की एबिलिटी भी रखी हुई है जिससे जोन का डैमेज कम पड़ता है, लेकिन पड़ता ज़रूर है भाई। ऐसा नहीं है कि फोर्थ में थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ेगा भाई। देखो लास्ट जोन भी चालू हो चुका है, तो फटाफट भागते हैं भाई, थोड़ा बहुत छुप जाते हैं। अपने पास गन भी नहीं है वैसे, तो उधर मेडिकिट बची हुई है। अभी क्या आपको लगता है कि हम बुईया कर पाएंगे? मेरे को नहीं पता भाई कर पाएंगे या नहीं। हमारे पास अभी देखो इसे क्या बोलते हैं भाई, वन फायर भी है हमारे पास, 6 ग्लू वाले 14 मेडिकेट है, पर एक भी गन नहीं है। तो अभी अभी देखते हैं कि क्या सीन होता है भाई। लोग आप अभी तक वीडियो पे बने रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ग्लू वॉल लगा लगा के आगे जाना पड़ेगा क्योंकि सामने बहुत सारे बंदे हैं। इस टपरे पे हम बैठ जाते हैं ताकि हमको कोई मार नहीं पाए। चलो यहाँ से भाई, एक गन पड़ी हुई है बट हम अभी लेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तभी लेंगे, अभी कोई ज़रूरत है नहीं। देखो सामने बंदा है, सामने आपने नोटिस किया तो होगा, तो सामने से अरे बंदा है, मैंने वैसे ही स्पॉट कर लिया है। हमारे पास क्या आप बोलते, अभी देखो 4 बंदे अलावे, यानी मेरे अलावा 3 बंदे अलावे। आपको क्या लगता है इस वाले जोन में हम लोग जिंदा रह पाएंगे? देखो AWM वाला बंदा काफ़ी तगड़ा खेल रहा है भाई, अभी मेरे अलावा 2 ही बंदे बचे हुए। क्या आपको लगता है भाई? देखो मैंने ग्लू वॉल नीचे ऐसे ही लगा दिए, ग्लू वॉल वैसे भी हमें चाहिए नहीं, इस वजह से मैंने चेक किया। आपको लगा कि ग्लू वॉल अगर लगा कि भाई सामने वाले एनिम को एलिमिनेट कर देगा, मैं ऐसा चीज़ नहीं करने वाला हूँ। अभी देखो मैं बिल्कुल सही दिखा रहा हूँ आप लोगों को ट्रिक। तो अब तक हम बचे हुए 2 किल है तो हमारी क्लच तो होगी, हम टॉप में भी आ जाएंगे। अब देखो टॉप तो हो चुका है हमारा, हमारे अलावा एक ही एनिमी बचा हुआ है, बट वो बंदा कहाँ पर है मेरे को पता नहीं भाई अभी तक। और शायद वो इन सारे घर में ही किसी एक घर में है, तो मेरे को भाई इससे बच कर भाई जोन में ही रहना पड़ेगा भाई। 14 मेडिकेट है भाई, देखते अभी क्या सीन आ चुका है। देखो जोन भी आ गया भाई, सब कुछ हमारे साथ ही होना था भाई, मेडिकेट वगैरह। आलोक अल आलोक भी पूरा को पूरा है, चलो आलोक तो वन फायर भी साथ में लगा लेते हैं भाई। कितने सारे मेडिकेट भी लगा दे सामने भाई, साथ तीन तीन चीज़ें भाई एक साथ। आपने कभी ये चीज़ किया है या नहीं किया मेरे को कॉमेंट सेक्शन में फटाक से भाई बता देना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो में आप कमेंट ले सको। तो भाई कोई कमेंट करता ही नहीं भाई, हमें सब लोग वीडियो देख के और चले ही जाते हैं। देखो काफ़ी सारा जोन हमको डैमेज दे रहा है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं भाई जोन बैटल करने, पर हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी मेडिकेट काफ़ी है भाई इसके लिए। तो क्या करते हैं, थोड़ा आगे ही चले जाता हूँ भाई, इतनी मेडिकेट है मेरे को नहीं लगता है इतनी एलिमेटी हो जाऊँगा। ये गन मैंने वो गन उठा ली और भाई फटाफट से आगे चला जाता हूँ। और जोन में भाई जिंदा भाई चला गया, देखो कितनी HP बची, 17 18 HP बची हुई थी। इसमें हम आ गए, देखो इन्हेलर लगा लेते, इन्हेलर का मैंने यूज ही नहीं किया था। सामने बंदा आ चुका है, मुझे उसके फुल स्टेप आ गए भाई, और आलोक बाबा को चालू कर दिया भाई। और यहाँ पर एक फार्मर्स गन है, फार्मर्स गन तो भाई लॉन्ग रेंज में काम आती है भाई, इतने शॉर्ट रेंज में भाई किसका क्या करेंगे। और यहाँ पर देखो हमारे ऊपर बंदा है, देखा रहे हो आप, देखो बंदे का भाई एटीट्यूड, देखो सामने बंदा है, देखो ऊपर पत्थर है, पीछे मैंने उसे स्पॉट कर लिया, उसने भी मेरे को शायद से
देखा होगा, अभी देखो वो आएगा और एक अलग ही सीन हो जाएगा भाई आप लोग, मतलब मैं हमारे साथ देखो तो पीछे कहाँ से बंदा भाई, कहाँ से कहाँ देखो भाग रहा है, अभी देखना अंदर से आ रहा है बाहर से आ रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा गए तुम्हें।